हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। तो मुझे सुबह के 8 बजे भी नींद आ रही है, तो इसलिए सबसे पहले मैं कुछ योगा या एक्सरसाइज करूँगी ताकि मेरी नींद थोड़ी भाग जाए और मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो। क्योंकि पढ़ने के लिए मतलब मैं डायरेक्ट वापस अभी बैठ जाऊँगी तो मैं वापस से सो जाऊँगी, इसलिए अभी पहले थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज कुछ कर लेते हैं। सो आई एम डन विद माई योगा और अब मैं ब्रेन एक्सरसाइजेस करूँगी, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग टाइम वैसे भी बेस्ट टाइम होता है ऐसी एक्सरसाइजेस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दैट। मुझे अभी ये वीडियो देख के इतनी हंसी आ रही है ना, एक तो आई लुक सो वियर्ड डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, दूसरा आई हैड द ऑडेसिटी टू टेल यू गाइज दैट इट गेट्स ईजियर विद टाइम व्हेन इट्स क्लियरली नॉट, एंड आई एम टेकिंग 3 बिजनेस डेज टू जस्ट स्विच माई फिंगर्स। और मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। सो आई एम डन विद माई एक्सरसाइजेस और जो वो रैबिट हंट वाली थी ना, वो ऐसे ऐसे करके पिंकी और इंडेक्स फिंगर वाली एक्सरसाइज, वो जो मैंने लास्ट वीडियो में करी थी तो बहुत डिफिकल्ट हो रही थी, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रही थी। और अभी भी जब मैंने स्टार्ट करी तो शुरू में मुझसे नहीं हो रहा था, पर धीरे धीरे वो मतलब स्लो हो रही है, मतलब इतनी फास्ट फास्ट में नहीं कर पा रही, पर फिर भी अभी होने लग गई वो थोड़ी थोड़ी। तो आपको बस कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, कॉन्सेंट्रेशन से हो जाएगी। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द मॉर्निंग इज़ रिवाइज ऑल द फ्रैक्शनल वैल्यूज, क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड सम मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ट्रिक्स एज वेल। सो आई डिड दैट। तो ये हमने अपने प्लांट में से तोड़ा है मीठा मीठा कड़ी पत्ता पोहे में डालने के लिए, क्योंकि घर के कड़ी पत्ते का टेस्ट ही अलग होता है। सो आई जस्ट took a shower और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि आज हमारे घर पे डीप क्लीनिंग हो रही थी जन्माष्टमी के लिए। तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मैं तो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मैं पढ़ रही थी, तो अब एटलीस्ट उनके लिए चाय तो बना ही देते हैं। तो चलते हैं चाय बनाने। चाय पी के फिर मैं वापस आ गई थी अपने रूम में पढ़ने के लिए, और मैंने ये IBPS PO का प्रीलिम्स लेवल का पेपर सॉल्व करा था। अभी मैंने IBPS PO का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा है विद इन द टाइम लिमिट, तो उसका मेरा क्या स्कोर आया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और वो मेमोरी बेस्ड पेपर था 2020 का, तो अब मैं आपको स्कोर दिखा देती हूँ। तो ये मेरा इंग्लिश सेक्शन था, तो इसमें मेरे 30 में से 25 हैं, और उसके बाद ये मैथ्स और रीजनिंग मतलब मैंने मिक्स कर दिया, तो मेरे ये मैथ्स के हैं 20 क्वांट के मतलब 22 out of 35, और रीजनिंग के 12 out of 35 ही हैं, क्योंकि वो टाइम लिमिट थी। तो जो अपना एग्ज़ाम होता है उसमें तो वो सेक्शनल टाइम होता है 20-20 मिनट्स का, लेकिन इसमें मैंने नहीं करा, मतलब मैं ओवरऑल ऐसे ही सॉल्व कर रही थी, मैंने वो सेक्शनल टाइम नहीं करा अलॉट। तो उसकी वजह से मतलब मैंने क्वांट सॉल्व करा तो मेरी वो रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस रह ही गए। तो हाँ, मतलब इट्स नॉट अ गुड स्कोर, और मतलब मुझे सेक्शनल लिमिट सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए था, तो ज़्यादा सही पता चलता, क्योंकि फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करती। पर अभी मुझे बस PO लेवल का मतलब एनालिसिस करना था कि PO लेवल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैंने अभी ये पेपर सॉल्व करा था एंड इट वाज ऑफ 2020। सो या करेंटली रिवाइजिंग दीज वर्ड्स, इसमें मतलब मैं ऑलरेडी बहुत बार ये रिवाइज कर चुकी हूँ, देखो मैंने सब में टिक कर रखे हैं आंसर्स। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये मेरी हाईली रिकमेंडेड बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, हर कोई रिकमेंड करता है इसको। तो अभी मैं यही वर्ड्स वापस से रिवाइज करने वाली हूँ। अभी बज रहे हैं 4 और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने के लिए, और उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट गाइस। सो इन केस यू आर वंडरिंग कि लोग व्लॉग में अपने सोने जाने की या फिर उठने की क्लिप्स दिखाते हैं तो उनको रिकॉर्ड कौन करता है, तो वो व्लॉगर्स खुद ही करते हैं। वो पहले ऐसे ट्राइपॉड कहीं दूर ले जा कर रखते हैं, फिर उसमें रिकॉर्ड करते हैं अपना सोना या उठना जो भी उनको रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद वहाँ से वापस कैमरा निकाल के लाते हैं, क्योंकि रील्स भी तो उसी में स्क्रोल करनी है, जो मैंने अभी करा। देखो मैं कितने अंदर की बात बता रही हूँ तुम्हें।
और ये देखो पीछे दवाई, ये हमेशा मेरा रिमाइंडर के लिए रखी रहती है मेरे सर पे, लेकिन फिर भी मैं खाती नहीं हूँ, तो अभी मुझे दिख गई है तो खा लेती हूँ। अभी मैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि IBPS PO का जो लेवल होता है सिंप्लीफिकेशन का, वो थोड़ा मॉडरेट टू हाई होता है, तो उसमें थोड़े मतलब कैलकुलेटिव सिंप्लीफिकेशन आते हैं, तो अभी मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी ताकि एक्यूरेसी और स्पीड बढ़े। अभी हम जा रहे हैं राखी लेने, और ऑलरेडी 10 बजने वाले हैं, तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जल्दी बंद हो जाता है। और मैं सुबह से बोल रही थी कि मुझे राखी लेनी है, राखी लेनी है, पर फिर भी बोलते बोलते भी 10 बज गए, तो अब देखते हैं जाते हैं। अभी हम आए हैं आइसक्रीम खाने, और मैंने एज़ यूजुअल अपनी बेल्जियन चॉकलेट आइसक्रीम ली है, क्योंकि चॉकलेट मेरा फेवरेट फ्लेवर है। माई रूम इज़ मेसियर देन माई लाइफ, सो आई हैव टू क्लीन अप माई रूम फर्स्ट एंड देन आई गो टू स्लीप। तो जल्दी से रूम साफ करते हैं। Done with the boring work. So guys, I am going to end this vlog here. And by the way, I really want to show you guys the whole study routine, like my whole study routine सुबह से लेके रात तक का, पर मैं आपको नहीं दिखा पाती, मैं बिट्स एंड पीसीज ही दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स मतलब अभी चल ही रहे हैं। जैसे जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा कि अभी बैंक एग्जाम्स चल रहे हैं, और जिन्हें नहीं भी पता, जो बैंक एस्पिरेंट्स नहीं हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मेरे एग्जाम्स अभी चल ही रहे हैं, मतलब दिसंबर तक चलते रहेंगे, तो उसकी वजह से मैं ना इतना प्रॉपरली नहीं आपको दिखा पाती कि मैं कितना पढ़ रही हूँ, कितने टाइम से पढ़ रही हूँ, मतलब कितने बजे तक पढ़ रही हूँ, वो मैं इतना आपको नहीं दिखा पाती डिटेल्ड में। पर जैसे मैंने दूसरे ब्लॉगर्स को देखा है, वो बहुत अच्छे से पूरा अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं, मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, मैं बिट्स एंड पीसीज ही दिखा पाती हूँ आपको। पर अगर आप चाहते हो कि ऐसा मैं पूरा डिटेल्ड ब्लॉग बनाऊँ, लाइक टाइम भी आपको शो करूँ कि इतने से इतना ये पढ़ा, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं कोशिश करूँगी ऐसा डिटेल्ड ब्लॉग बनाने की। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे सभी ब्लॉग्स पे इतना प्यार देने के लिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।